हेलो धुरंधरो, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जी के में। तो आज मेरी 112वीं क्लास है डेली करंट का, तेलगा के अंतर्गत। जितने भी मैं क्वेश्चन करवाता हूं अपने भाइयों को, बहनों को, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो कि मैं हर रोज अपने प्रातः सुबह 6 बजे अपनी क्लास को लेकर आता हूँ डेली करंट का, डेली करंट के रूप में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। जिस भी पेपर की आप तैयारी कर रहे हो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर रोज मैं सुबह 6 बजे लेकर आता हूँ, बिल्कुल फ्री ऑन यूट्यूब पर है। जीके से रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, चाहे ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, या किसी भी सब्जेक्ट से, जीके से रिलेटेड जो सब्जेक्ट आपको लगता है कि मुझे इसमें कुछ हार्ड लग रहा है या पर मुझे नोट्स चाहिए, मैं उन सभी चीज़ों को आप प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड कर दूंगा। फ्री ऑन यूट्यूब पर क्लासेस पड़ी हुई हैं, फ्री नोट्स पड़े हैं, टेलीग्राम पर प्रॉपर तरीके से तैयारी कर सकते हो। सी टेट की प्रॉपर बहुत बढ़िया तरीके से मेरी टेस्ट सीरीज चल रही है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, सी टेट दिसंबर में जो होगा पेपर। ठीक है, तो आज की डेली करंट का तैयार का जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों में होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है सभी भाई के लिए, बहनों के लिए, जो भी पेपरों की तैयारी कर रहे हो आप। ठीक है मेरे भाई, मैं हर रोज बताता हूँ अपने भाइयों को, ठीक है, क्योंकि मेरा काम है, और हर क्वेश्चन को पॉइंट वाइज समझाते हुए, क्या पता यहाँ से इस पॉइंट से, इस क्वेश्चन के इस पॉइंट से आपसे क्वेश्चन पूछ ले एग्जामिनर, तो इस प्रकार से मैं पॉइंट भी रखता हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है मेरे भाई, हिंदी इंग्लिश दोनों में होती है मेरी क्लास, तो शुरू करते हैं आज नवंबर के महत्वपूर्ण दिवसों के साथ अपनी क्लास को। ठीक है, तो सबसे पहले 1 नवंबर है, विश्व साकार्य दिवस होता है। 8 नवंबर को आप सभी को मैं कई बार बता चुका हूं कि विश्व रेडियोग्राफी दिवस होता है। ठीक है, वहीं पर 9 नवंबर की बात करूं विश्व सेवा दिवस होता है। 14 नवंबर को भारत में बाल दिवस, जवाहरलाल नेहरू जी की जन्म तिथि होती है। ये आपको बता दूं कि कौन सी जयंती है, ये आपको बताना है कौन सी भी जयंती बनाएगी पंडित जी की, जवाहरलाल नेहरू जी की, प्रॉपर तरीके से इन कमेंट में मुझे बताना। 16 नवंबर को इंडोरेंस डे होता है, इंटरनेशनल होता है। 17 नवंबर को विश्व छात्र दिवस, राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस, ये आपको पता होनी चाहिए, प्रेस डे जिसको कहा जाता है। 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस, राष्ट्रीय मृगी दिवस, ये सभी दिवस इंपॉर्टेंट है जो मैं करवा रहा हूँ। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस। वहीं पर 20 नंबर की बात करूं, अफ्रीकिया औद्योगिकरण दिवस और सार्वभौमिक बाल दिवस होता है 20 नवंबर को। 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस, सड़क यातायात पीड़ितों के लिए समरोत्सव का विश्व दिवस मनाया जाता है। 21 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है। 25 नवंबर को बात करूं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, 26 नवंबर भारत का संविधान दिवस होता है, मनाया जाता है हर 26 नवंबर को, आप सभी को पता होगी अंगीकृत हुआ था, तो ये इंपॉर्टेंट है 26 नवंबर जो डे है। ठीक है, बात करूं आज के 29 नवंबर की, फिलिस्तीनी जो है लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है, प्रॉपर तरीके से इसके बारे में चर्चा करते हैं आज की क्लास के अंतर्गत जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रॉपर तरीके से पहले क्वेश्चन पढ़ो, फिर उसके पॉइंटों को समझोगे तो आप बेहतर हो जाओगे क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन आते तुरंत एकदम से कर दोगे आप क्वेश्चन को। ठीक है मेरे भाई, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, किस राष्ट्रीय देश के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस, किसका, भारत के गणतंत्र दिवस समारोह मुख्य अतिथि होंगे। ये जो आपको दिख रहे हैं किस देश के राष्ट्रपति हैं, रूस, मिस्र या अमेरिका या फिर ब्रिटेन, तो आप सभी को पता होगी मिस्र के ये राष्ट्रपति हैं अब्दुल फतेह अल सीसी। इंपोर्टेंट है, निशान लगा लेना, आज की बात याद कर लेना, ये 26 जनवरी को आएंगे मुख्य अतिथि के रूप में। इंपोर्टेंट है, इजिप्ट देश है जो कि आपको मैंने प्रॉपर तरीके से यहाँ भी बता भी रखा है। ठीक है, इसमें से कौन सी नदी निकलती है, ये इंपोर्टेंट है, ये जो इजिप्ट देश है किस पर डिपेंड होता है ये आपको पता होना चाहिए, या फिर इसमें अगर भीतर या सीमा साझा करती है कौन सी नदी, वो मोस्ट इंपोर्टेंट आप बताओ इन कमेंट में। पहली बार मिस्र के राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस पर इस समारोह में भाग लेंगे मुख्य अतिथि के रूप में। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और मिस्र के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध पहले से ही है, 75वीं वर्षगांठ मनाएगा अपना भारत जी के। ठीक है मेरे भाई, दोनों देशों के साल में ये इंपॉर्टेंट है, और 2022-23 में भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान भी मिस्र को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया है, ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। भैया मेरे, अतिथि के बारे में ऑप्शन में आपसे क्रम वाइज पूछ सकता है, इसलिए मैंने G20 भी करवा चुका हूँ विश्व अफेयर में। ठीक है, वो भी ध्यान पूर्वक समझ लेना। ठीक है, तो इंग्लिश में मैंने कन्वर्ट करके यहाँ रख के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस शहर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने उस्ताद शिल्पकारों को, जो शिल्पकार होते हैं, ठीक है,
को शिल्प गुरु और राष्ट्र पुरस्कार प्रदान किए हैं। तो आप आपके सामने दिख रहे हो 16वें उपराष्ट्रपति हमारे जगदीप धनखड़ जी। ठीक है, इससे पहले राज्यपाल थे किसके, पश्चिम बंगाल के, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नई दिल्ली में ये आयोजित की गई है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन उठेगा ही उठेगा। ठीक है, तो किसके द्वारा प्रदान किए गए, जगदीप धनखड़ जो की उपराष्ट्रपति है हमारे। ठीक है, इस समय कपड़ा मंत्रालय ने नई दिल्ली में 2017-18-19 के लिए मास्टर शिल्पकार जो है शिल्प गुरु राष्ट्र पुरस्कार दिए, और इसको जो अतिथि हुए हैं वो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 1965 में विकास आयोग जिसको हस्तशिल्प कहा जाता है, कार्यालय स्तर शिल्पकारों के लिए राष्ट्र पुरस्कार को योजना लागू कर रहे हैं तभी से अब तक। ठीक है, शिल्प गुरु पुरस्कार जो था ये 2002 में शुरू किया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो हस्तशिल्प हस्तकार है जो उनके क्षेत्रों में उत्कृष्ट शिल्पकारों को जो जो बिल्कुल एकदम कहते हैं ना क्रीम क्रीम जो होती है बिल्कुल उनको पहचान करी जाए, उनके इन शिल्पकारों इनके हस्तशिल्प जिन इनके अपने द्वारा जो बनाए जाते हैं हाथों से उसकी पहचान की जाए, उसके लिए इनको चुना जाता है, उनके लिए इस पुरस्कार को दिया जाता है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, हस्तशिल्प क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, यह ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में शिल्पकारों की रोजगार देता है, ये सभी आपको पता होना चाहिए। ठीक है मेरा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी किसी भी प्रकार से कोई समस्या या दिक्कत या समझ में नहीं आ रहा है, मेरे से पूछ सकता है, प्रॉपर तरीके से बढ़िया तरीके से अपने भाइयों को बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किसने अपने स्थापना दिवस की 74वीं वर्षगांठ मनाई है? तो आप सभी को दिख रहा होगा NCC नेशनल कैडेट क्रॉप जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, इसमें ये जो NCC है आप सभी को पता होगी, हर बच्चा NCC लेता है कॉलेज के दौरान, ये आप सभी को पता होगी प्रॉपर तरीके से, जो भी बच्चा कॉलेज में है या फिर कॉलेज कर चुका है हर बच्चे ने देखी होगी NCC। ठीक है, राष्ट्रीय कैडेट कोर जो का गठन 1948 में हुआ था, ये दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है, ये आपको पता होना चाहिए। रक्षा सचिव श्री गिरधर अरमाने ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नई दिल्ली में संपूर्ण NCC बरादरी की ओर से वीरों को श्रद्धांजलि दी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन उठ सकता है। ठीक है, यह एक्सचेंज प्रोग्राम जिसको YEP शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, NCC अपने कैडेटों को 25 देशों में शांति और एकता का राजदूत के रूप में भेजा है। राष्ट्रीय कैडेट कोड युवाओं को आम विकास का अवसर देती है। इस मौके पर परेड हुई, रक्तदान हुए या सामाजिक विकास कार्यक्रम हुए, प्रॉपर तरीके से आपको इस चीज की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, कहाँ पर हुई, NCC की फुल फॉर्म क्या है, किस लिए जानी जाती है, कौन इसमें युवा वर्ग होते हैं। ठीक है, दुनिया का सबसे नंबर वन है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एयरो इंडिया 2023 का आयोजन 13-17 फरवरी 2023 में किया जाएगा, बेंगलोर में किया जाएगा, और किसके द्वारा यह आयोजित किया जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। हेल के द्वारा, शेल, टाटा, जियो, तो ये HAL हिंदुस्तान एरोनॉमिक लिमिटेड के द्वारा इसको प्रॉपर तरीके से आयोजित किया जाएगा इस कार्यक्रम को, ये आपको पता होना चाहिए। एरो इंडिया 2023 में भारतीय और विदेशी दोनों प्रदर्शकों में आएंगे। ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस कार्यक्रम का आयोजन, और यह 5 दिनों के लिए निर्धारित किया जाएगा। इसमें पिछले संस्करण की बात करूं, 35 से अधिक देशों की 500 से अधिक कंपनियों ने एयर शो में भाग लिया था। ठीक है, अब और ज्यादा लेने की कोशिश करते, मतलब आशंका रहेगी, ये आपको मैं बता रहा हूं। ठीक है, पहले से ज्यादा, बहुत ज्यादा रहेगी। एयर इंडिया का पहला संस्करण 1996 में आयोजित किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है मेरे भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। भारत और ऑस्ट्रेलिया सेना दल द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास अस्ट्रा हिंद दो, मतलब 22 डिग्री जो कहलाता, किस राज्य में शुरू हुआ है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, अस्ट्रा हिंद, तो अस्ट्रा थे ऑस्ट्रेलिया और हिंद थे हिंदुस्तान। ठीक है, दोनों के बीच में ये अभ्यास शुरू हुआ है, ये एक्सरसाइज शुरू हुई है जो कि राजस्थान के अंतर्गत होती है। आपको मैं बता दूं 28 नवंबर से ये चली है और 11 दिसंबर तक चलेगी प्रॉपर। ठीक है, अस्ट्रा हिंद श्रृंखला यह पहला अभ्यास है जिसमें दोनों सेनाओं के सभी अंगों को दल में भाग लेंगे। अभ्यास अस्ट्रा हिंद हर साल भारत और ऑस्ट्रेलिया के वैकल्पिक रूप से आयोजित किया जाएगा, ये आपको प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए। पहला अभ्यास दोनों देशों के बीच राजस्थान में हो रहा है, इंपोर्टेंट है। इसका उद्देश्य सकारात्मक सैन्य संबंध बनाना, एक दूसरे की अच्छी प्रथाओं को अपनाना, एक दूसरे को एक्सपीरियंस शेयर करना, स्किल्स शेयर करना, इंपोर्टेंट है। एक्सरसाइज का मतलब यही होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एशियाई चैंपियन रवीना ने युवा पुरुष और महिला विश्व चैंपियन में
कौन सा पदक जीता है, कांस्य, रजत, स्वर्ण या कुछ नहीं जीता है, तो ऐसा कुछ हो नहीं सकता जो जीता ना हो। तो स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भैया, यहाँ से याद ये क्वेश्चन आएगा आएगा। एशियन की बात है, चैंपियन रवीना जी ने युवा पुरुष और महिला विश्व चैंपियन में ये अपना स्वर्ण जीता है, ठीक है। बात करूं 63 बार के फाइनल में भारतीय मुक्केबाज जोड़ी नीदरलैंड के मेगन डेक्लेयर को हराया है। आपके अपोजिट का नाम भी जो रन अप होता है उससे भी क्वेश्चन उठा सकता है एग्जाम में, ठीक है। मुक्केबाज में भारत ने स्पेन के लालूसिया और युवा पुरुषों में महिलाओं के विश्व चैंपियन में 11 पदकों के साथ इस चैंपियन को समाप्त किया, ठीक है। 25 सदस्य गए थे जिसमें 4 स्वर्ण, 3 रजत और 4 कांस्य, टोटल 11 पदक जीत के लाए हैं प्रॉपर तरीके से। इन आंकड़ों को भी आपको मैंने बता दिया है। चैंपियंस के इस वर्ष के संस्करण में सभी देशों के बीच महिलाएं मुक्केबाजी के पास सबसे अधिक 8 पदक थे। इसके बाद कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान स्थान 5 और 4 पर रहे हैं। ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस देश ने पहली चीन हिंदी महासागर क्षेत्र विकास सहयोग मंच की बैठक की मेजबानी की है, जो कि भारत नहीं है इसमें, ठीक है, लेकिन ये चीन ने की है, पहली करी है, इंपोर्टेंट है, चीन हिंद महासागर में, ठीक है। ये मीटिंग, ये मंच रखा गया है चीन देश के द्वारा, ठीक है। दक्षिण एशिया और हिंद महासागर क्षेत्रों में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए चीन ने चीन हिंद महासागर क्षेत्र विकास सहयोग मंच की बैठक आयोजित की, और इसमें भारत को छोड़कर के 19 देशों का हिस्सा लिया है। मतलब कुल मिलाकर के भारत आ जाता तो 20 देश हो जाते, लेकिन भारत को छोड़ दिया, वही ये चिढ़ता है, हमेशा ही सही चिढ़ता आया है प्रॉपर तरीके से। ये आपको मैंने विश्व अफेयर में बहुत ही बढ़िया तरीके से बता रखी है, ठीक है। बात करूं नेक्स्ट पॉइंट की, चीन अंतरराष्ट्रीय विकास सहयोग एजेंसी CIDCA, चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एजेंसी जो नीतियां बनाती है वो प्रमुख विदेशी सहायता मुद्दों को समन्वय करती है और उनकी मंच की मेजबानी भी करती है, ठीक है भाई। जो ये हो रहा है CIDCA के प्रमुख जो है लुआओ जो हुई पूर्व उप विदेश मंत्री है, ठीक है। नाम देख, नाम कैसा, लुआओ जाओ हुई 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 कर देगा क्या। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉरिशस यात्रा के दौरान घोषित क्षेत्रों में सभी के लिए सुरक्षा और विकास पहले के अनुरूप आते आए हैं, ठीक है। ये जो चीन हिंद महासागर में आपको ये भारत मिलाना, ये इंपोर्टेंट है, 19 देश है लेकिन उनमें भारत को छोड़ देना है, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन फंसे गए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और पहली है, ठीक है, ये मीटिंग, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। कौन सी महिला खिलाड़ी भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनने वाली है, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन, करणा मल्लेश्वर जी, पीटा उषा, नीलांबी घोष या फिर माजरी। तो यहाँ पर पीटी उषा जी आपको दिख रही होंगी रन करती हुई, ठीक है। इंपोर्टेंट है, गोल्डन गर्ल कहा जाता है, ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। इंपोर्टेंट इनके कई नाम है, इनको फील्ड की रानी कहा जाता है, इनको भारतीय ट्रैक कहा जाता है और कहीं कहीं पर पयालो एक्सप्रेस के नाम से भी पुकारा जाता है, ठीक है। IOA के अध्यक्ष पद के पहला नामांकन पत्र दाखिल किया था इन्होंने 27 नवंबर को। 95 साल के इतिहास में IOA के इतिहास जो 95 साल के रिकॉर्ड तोड़ रही है, प्रमुख बनने वाली पहली अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता भी होंगी, ये आपको पता होना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अजय पटेल वरिष्ठ उपाध्यक्ष होंगे, वह इस पद के एकमात्र उम्मीदवार भी हैं। पीटी उषा जी कई एशियाई खेलों को स्वर्ण पदक जीता रही हैं। 1984 के ओलंपिक 400 मीटर बाधा दौड़ के अंतर्गत इन्होंने फाइनल में चौथे स्थान पर रही थी, ठीक है। उन्हें अक्सर भारतीय ट्रैक, फील्ड की रानी और पयोली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। तीनों के तीनों नाम आए हुए हैं, ये मैंने तीनों तीन आपके सामने धर दिए, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। पॉइंट करके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हर घर गंगाजल परियोजना का शुभारंभ किस राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, किस राज्य के, ये बिहार के हैं, ठीक है, सिंपल है। तो बिहार के मुख्यमंत्री जो कि CM है, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी हैं। राजगीर जिसको पटना का, पटना जो पहले राजगृह था, राजगीर को बोलने लगे, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, राजगृह था, राजगिरी के अंतर्गत है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, बिहार के अंतर्गत है ये। और हर घर गंगा जल परियोजना का अक्सर मुद्दा क्या है, उद्देश्य क्या है, ये मैं आपको बताऊं कि राज्य के सूखे क्षेत्रों को जो जहाँ पर सूखे पड़े हैं बिल्कुल, वहां नल पर गंगा जल उपलब्ध कराने के लिए एक पहल है, ठीक है। पानी के पहले राजगीर और गया के जलाशयों में संग्रहित किया जाएगा। इसके बाद 3 उपचार और शोधन संयंत्र रखे जाएंगे। इस प्लांट में लोगों को पानी की आपूर्ति की जाएगी, ठीक है। हर
घर गंगा जल बिहार सरकार के जल जीवन हरियाली योजना का हिस्सा है। ये आपको मैंने सभी के सभी पॉइंट क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए बिहार में है हर गंगा जल परियोजना चलाई गई है, किसको लेकर के सूखा जहां पर है वहां पर नलों के नले प्रॉपर तरीके से नल गाड़े जाएंगे और वहां से पानी उपलब्ध किया जाएगा, ठीक है, सभी परिवारों को, सभी समाज के अंतर्गत जिसको भी पानी की चाहत हो। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे निक्षय मित्र एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। तो यहाँ पर रूमा देवी है, अनुषा मलिक है, डॉक्टर दीपा मलिक है, अवनी लखेरा जी है। तो डॉक्टर दीपा मलिक जी को निक्षय मित्र का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने। भारत के पैरालंपिक समिति के डॉक्टर अध्यक्ष जो कि दीपा मलिक जी हैं, उनको नई मिस्टर एम्बेसडर बनाया गया है, मिसिज एम्बेसडर बनाया गया है। ये आपको पता होना चाहिए। प्रगति मैदान नई दिल्ली 41वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार चल रहा है मेला, उसमें स्वास्थ्य मंत्रालय की टीवी जागरूकता गतिविधियों में भाग लिया था और निश्चय मित्र प्रधानमंत्री टीवी मुक्त भारत अभियान के तहत एक पहल है। ये आपको पता नहीं, अच्छा टीवी मुक्त भारत कब होगा, 2025 में, 2030 में, यह इनकमेंट मुझे बताना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है मेरा भाई। इसका उद्देश्य है कि टीवी पीड़ित रोगियों को 3 सत्रों पोषण, अतिरिक्त नैदानिक और व्यावसायिक सहायता प्रदान करना इसका मेन उद्देश्य है, मेन एम है, ठीक है मेरा भाई। ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सभी के सभी चीजें मैंने आपको शेयर कर दी है प्रॉपर तरीके से, जहां भी जिस भी एग्जाम के अंतर्गत ये क्वेश्चन आए तो मेरे से आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कमेंट में लिख देना भाई कि इस पे आपकी क्लास से, डेली करंट अफेयर की क्लास से ये क्वेश्चन आया हुआ है जो आपने पढ़ा था, ठीक है मेरे भाई। तो आज ये सेशन, आज की क्लास कैसी लगी मेरे भाइयों को, मैं लाइक और शेयर से पता चल जाती है मेरे को, या इन कमेंट मुझे लिख दिया करो कि आपकी क्लास कैसी थी, ठीक है। तो विदा लूंगा, नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।